कल विधानसभा के अंदर जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने जो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। अबू आसिम आजमी साहब ने मुसलमानों के हक़ के लिए सोचा, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से 10 मुस्लिम आमदार चुन के जाते हैं, मगर किसी के भी हलक में आवाज़ नहीं थी मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाने के लिए। असम्बली में जाते हैं मगर मुसलमानों का जब मुद्दा आता है तो ये सारे लोग गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। एक ही वाहिद शेर है, एक ही वाहिद जो है मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ने वाला शख्स जो है तो अबू आसिम आजमी साहब है, जिन्होंने कल असम्बली के अंदर खड़े रह के मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि 5% मुसलमानों को पढ़ाई के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, तालीम में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, मगर उसके बाद भी सरकार जो है तो गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है और मुसलमानों को आरक्षण देने का नाम नहीं ले रही है। जबकि होना ये था कि कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आता है तो सरकार ने फौरन रिजर्वेशन दे देना चाहिए था। अब मुझे ये लगता है कि मुसलमानों ने जो है तो जिस तरीके से जरांगे पाटिल ने एक बड़ा मुहिम खड़े की थी, उसी तरीके से एक बड़ी मुहिम खड़े करना चाहिए जब सरकार को घुटनों पर बिठाना बैठ सकेंगी, वरना जो है सरकार जो है मुसलमानों के रिजर्वेशन की सोचती नहीं। अब हो ये रहा है कि जितने मुसलमान आमदार जो पार्टियों से चुन के जाते हैं, जो आमदार मुसलमान वोटों पे मुसलमान मुसलमान बोल के जो मुस्लिम वोट लेते हैं वो तक के मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए बोलते नहीं। हम गैरों से क्या बात करें, हम गैरों को क्या बोले कि भाई हम आपको सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, आप हमारा रिजर्वेशन की बात करो, ये तो बहुत दूर की बात। मगर जो मुसलमान आमदार मुसलमानों के वोटों पे चुन के जाते हैं, जिनको टिकट ये जिनकी पार्टियां हैं उनको टिकट ये बुनियाद पे देती है कि वो मुसलमान है और उनके हलके में मुस्लिम वोट ज़्यादा है, वो तक मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए बोलने से डर रहे हैं। आखिर में एक बात ही मैं कहूँगा कि सिर्फ जो है तो शोर मचाने से कुछ भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर आके बोल दिए कि मुसलमानों के वास्ते रिजर्वेशन होना, हमको ये होना। असम्बली में आवाज़ उठना चाहिए जैसा अबू आसिम आजमी साहब ने उठाई, असम्बली के अंदर आवाज़ उठाने को ना, और उसके बाद जो है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें रोड पे उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से जरांगे पाटिल ने उन मराठा समाज के लिए एक इतनी बड़ी मुहिम खड़े की है, अब आप देखिए उसके एक आवाज़ पे, जरांगे पाटिल की एक आवाज़ पे कल औरंगाबाद शहर के अंदर उनकी एक भव्य रैली है, शांति रैली है, मगर वो रैली के अंदर आप पब्लिक देखना कैसी रहेगी। अगर कोई मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के वास्ते आवाज़ उठाए तो मुसलमानों का हक ये बनता है कि उसके पास खड़े हो जाए उसके पीछे आप, मगर ये हो नहीं रहा है। हमें अब जो है तो असेंबली से लेके सड़क तक की लड़ाई लड़नी होगी। जब भी हम जो है तो सरकार से रिजर्वेशन मांग मांग के थक गए, अब हमें सरकार से रिजर्वेशन छीन के लेना होगा। क्या वजह देखते हैं आपके सेकुलर पार्टीज और सेकुलर पार्टीज के नेता जो है मुसलमानों के मुद्दे पर बात करने के लिए इतना डरते हैं? देखिए हिंदुत्व का जो वोट है वो हिंदुत्व के वोट को बचाने की ये कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के बारे में अगर हमने कुछ कहा तो हो सकता है कि हिंदुत्व का वोट उनके पास से सरक जाए, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद जो है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, ऐसे कई रिपोर्ट जो है तो आपके सामने हैं, सरकार के सामने, मगर फिर भी सरकार जो है तो रिजर्वेशन नहीं दे रही मुसलमानों को। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को जो है तो असम्बली की भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी और रोड की भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जब तक हम रोड की लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब तक मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है।